अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइडी न्यूज़। नाज़रीन, पिछले अगर हम देखें कि कुछ दिनों से जो है जुडिशल ऑर्डर के ऊपर जो है डिस्कशन इस पर स्टार्ट हो गया है और अब तक कॉन्स्टेंटली जो जुडिशल ऑर्डर है उस पर अब तक जो डिस्कशन है लोगों का वो जारी है। डिफरेंट एनालिस्ट जो हैं वो भी इस पर बातचीत कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रेज हुए लाहौर कोर्ट की जो ऑर्डर शीट थी उसके ऊपर, और बहुत सारे क्वेश्चंस ने ये भी रेज किया कि क्या ये ऐसा लीगल प्रेसिडेंट है जो कि कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, और क्या बाकी जो कन्विक्टेड लोग हैं वो भी क्या इसी तरह बाहर ट्रेवल कर सकेंगे, और क्या इसको पीएलडी में शामिल किया जा सकेगा। अगर ये पीएलडी में शामिल किया जा सकता है तो फिर लीगल एजुकेशन और लीगल सिस्टम के लिए एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल हो जाएगी। और अब बहुत सारे सवालात रेज होने के बाद हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये वर्डिक्ट पेश किया। उन्होंने कहा कि जो जुडिशल सिस्टम है ओवरऑल जो कानून है वो ताकतवर है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया ने एक साबिक वजीर आजम को सजा दी, दो के खिलाफ केसेस अदालतों में अब भी मौजूद हैं। यानी कि जैसा आपने देखा कि वजीर आजम इमरान खान साहब की स्पीच के बाद कुछ लोगों ने उनके जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, क्योंकि वो कोर्ट्स को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपने डोमेन में काम करें और ठीक से आप अपना जो जजमेंट है वो करें। लेकिन दूसरी जानब अब जब ये कोर्ट का हमने स्टांस देखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टांस देखा, तो बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो और भी इससे वाजे होती चली जा रही हैं कि क्या ये फैसला किसी थर्ड फोर्स की वजह से हुआ, क्या वजीर आजम साहब वाकई खुश नहीं थे नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के ऊपर। साथ ही साथ मौलाना साहब ने क्या पर्पस सर्व किया है, या अपने भी वो एक पोजीशन स्ट्रॉन्ग करके चले गए हैं, क्योंकि बहुत अरसे से मौलाना साहब की पोजिशन जो है वो कोई ना होने के बराबर थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान वो कहीं पर अपना रास्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन जो एक लूप होल क्रिएट हो चुका था एक प्रोडक्टिव अपोजिशन का, वो जो है मौलाना साहब ने पूरा कर लिया, और मौलाना साहब ने जो है इस गेम में काफ़ी कुछ अचीव किया है या नहीं किया इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और उनके प्लान बी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तरीक़ेकार से जो है मुकम्मल रद्द कर दिया है, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या स्टांस है इस पर भी बात करेंगे अपने मेहमानों से। और इकॉनमी के हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो मैक्रो इकॉनमिक फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और जो इकॉनमी की मजबूत होगी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है फहद शफीक, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमारे साथ मौजूद है नईम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ मौजूद है अख्तर अराई साहब तजियाकार हैं। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। और फहद, सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे, नवाज शरीफ साहब की बाहर ट्रेवल करने के ऊपर बहुत सारे सवालात रेज हुए, फिर ऑर्डर शीट भी डिस्कस हुई, इस पे ये कहा जा रहा है कि ये प्रेसिडेंट हिस्ट्री का पहला प्रेसिडेंट होगा जिसमें कन्विक्टेड को बाहर जाने की इजाज़त दी गई, और क्या वाकई लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, या फिर ये कह सकते हैं कि लॉ जो है बिल्कुल सबके लिए बराबर है, या एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है इस तमाम तर सिनेरियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अलवीना, जैसे आपने बात की ना कि लॉ जो है सबके लिए बराबर है, तो बिल्कुल सबके लिए लॉ बराबर है। मियां नवाज शरीफ की जहाँ तक बात है, उनकी तबीयत जैनमली ख़राब थी, और ये तो जो इन्होंने जो उस दिन आके इनके वजीर कानून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, जो उसमें वो डाल दिया था कि इंडेमनिटी देंगे, ये लास्ट आपको याद हो उस प्रोग्राम में मैं आपके बैठा था, तो मैंने आपको उस दिन भी ये बात बोली थी कि हुकूमत कह रहे थे ना कि इंडेमनिटी जो है इंडेमनिटी के कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, मुझे तो कहीं पे भी नहीं मिले। उन्होंने जो आर्टिकल दिया था 1981 का, उसमें कहीं नहीं है कि आप फेडरल गवर्नमेंट किसी से इंडेमनिटी ले लें, और इंडेमनिटी सिविल केसेस में, राइट, आई एग्री विद दैट पॉइंट, ठीक है, बट कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, कोई हाई ऑफेंस या कोई ऑफेंस को अलग कर देता है इंडेमनिटी? तो कभी भी जो है अगर कोई डाउटफुल हो, ये बात दुरुस्त है आपकी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी डिमांड नहीं कर सकती, लेकिन इंडेमनिटी तो कभी भी जब आपको कोई मामला डाउटफुल लगे तो यू कैन डिमांड दैट। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई क्राइटेरिया सेट असाइड है कंप्लीटली? देखिए, मैं तो आपको ये बात कह रहा हूँ ना कि 1981 का जो रेफरेंस दे रहे थे ना, वो उस रेफरेंस की मैं बात करूंगा अगर, क्योंकि उसी के तहत उन्होंने इंडेमनिटी लगाया था कि आप श्योरिटी दे दे, लाइक श्योरिटी दे 7 अरब रुपए के आप हमें चीज दे दे, वो के नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उसमें कहीं नहीं है
इंडेमनिटी का जिक्र है, उसमें सिर्फ ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ईसीएल से नाम निकाल सकती है, ठीक है, सही है, ये उसको लेके चल रहा है। दैट रेफरेंस, बट लेट्स टॉक अबाउट ओनली स्पेसिफिकली व्हेन इंडेमनिटी इज अप्लाइड और व्हाट इज द सिनेरियो व्हेन इंडेमनिटी कैन बी आस्क्ड। यू कंप्लीटली करेक्ट दैट एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन नॉट डिमांड दैट, ये जुडिशियल सिस्टम का काम है, लेकिन इनकेस अगर उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड की तो उसकी कोई सर्कमस्टांसिस नहीं होंगे। अगर किसी को कोई डाउटफुल मामला लग रहा है तो वो इंडेमनिटी डिमांड कर सकता है, लेकिन कौन कर रहा है ये गलत था। देखिए नवाज शरीफ साहब जी एक हफ्ते पहले ही चले जाते हैं जी, ये इंडेमनिटी का जो चक्कर है ना कुछ भी नहीं था, इनको पता था और इन्होंने ही भेजना था। अंडर द टेबल डील हुई है ये, देखिए अंडर द टेबल डील हुई है, क्या हुई है इस वक्त किसी थर्ड फोर्स के साथ डील हुई है, ये चीजें तो आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि क्या चल रहा है सिनेरियो ऑल ओवर। जो दूसरी चीज मैं व्यूअर्स को मैं पूरी बात बता रहा हूँ कि देखिए नवाज शरीफ साहब की जनरली तबीयत खराब थी, कोर्ट ने ऑर्डर्स कर दिए थे क्योंकि ये कोर्ट था जिस वक्त मरीम नवाज को उन्होंने मतलब रिहा किया था बेल पे, तो उनका पासपोर्ट भी ले लिया था। नवाज शरीफ साहब को जब रिहा किया था तो उनके रिमार्क्स थे कि कहीं भी जाके इलाज करा सकते हैं। नंबर सेकंड कि इन्होंने इंडेमनिटी मांगी, नेक्स्ट डे शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि हम कोई इंडेमनिटी नहीं देंगे, कोर्ट चले गए, लाहौर हाई कोर्ट का क्या फैसला आया और इंटरलिंक अगर हम करें एक सेकंड एक इंटरलिंक करें तो यूजुअली ऑपरेट नहीं होती और वैसे तो 24/7 कोर्ट्स ओपन होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो केसेस हैं वो इंटरटेन नहीं होते। सैटरडे को क्यों, सैटरडे को हुए, अच्छा जब मतलब के और चीजों में आए तो आप लोग उसको इतना बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, सारी चीजें हैं। जब मियां नवाज शरीफ की बात आई, मैं तो नहीं बोल रहा, आज आपके चीफ जस्टिस ने क्या बयान दिया आपके सामने, इमरान खान साहब के लिए था, बिल्कुल उन्हीं के लिए था। अच्छा। वो कैट उन्होंने बोला है, वजीर आजम जो है अभी उनके लिए था बयान, उनके लिए बोला गया है कि आप जो बातें कर रहे हैं वो ना करें, आपने इजाजत दी है, आपने ये सिर्फ इस वजह से कोर्ट के उसमें बॉल डालना चाह रहे थे कि कोर्ट दे दे इनको किसी तरह, थर्ड फोर्स कोर्ट में करना चाह रही है ये या थर्ड फोर्स करना चाह रही है या फोर्थ फोर्स करना चाह रही है। इमरान खान ने जो बेकार के दावे किए थे ना, इमरान खान अब अच्छी तरीके से समझ गया है प्राइम मिनिस्टर बन के कि कौन क्या होता है और कैसे क्या होता है सारी चीजें, कौन किसको नहीं भेज सकता। कि इमरान खान जो इतने वादे दावे करते थे ना सारी चीजें, मैंने तो डील नहीं की अंडर द टेबल, ना मियां साहब ने की। अगर मियां साहब को अंडर द टेबल डील करनी होती, शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं की। अगर उनको करनी होती तो मियां नवाज शरीफ इंग्लैंड से वापस ही नहीं आते अपनी बेटी को लेके जेल के अंदर डालने के लिए, वापस आएंगे बिल्कुल 110% आएंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ इस तरीके का लीडर नहीं है, इमरान खान है डरपोक। मैं आती हूँ आपके जाने पर, यहीं से कंटिन्यू करूंगी यहाँ पे। नहीं, आप क्या कहते हैं इस तमाम सर्कमस्टांसेस का, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फायदा उठाएगी? लेकिन बात यह है कि पहले तो देखा ही जाए कि ये जो केस था, केस की बुनियाद क्या थी। आज तकरीबन लगभग एक साल कुछ छह महीने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जेल काटी और इल्जाम की बुनियाद पर जेल काटी और जो जो चीजें नहीं, इल्जाम की बुनियाद पर कन्विक्शन तो साबित हो गई ना। देखिए साबित जब होती है तो फिर सजा भी हो जाती है और सजा जब होती है तो सजा के खिलाफ अपील भी होती है, अपील के खिलाफ फिर जो फैसला आता है वो फैसला फिर आगे जो चलता है वो भी लोग फिर देखते हैं, उस लोग फैसले का इंतजार करते हैं। बात यह कि देखिए ये मामला जुडिशरी का है, इस मुल्क के अंदर तीन सिस्टम काम करते हैं, जुडिशरी, दूसरा आर्मी चीफ और तीसरा आपको पता है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, आपके जो पार्लियामेंट में बैठने वाले वजीर आजम या सदर पाकिस्तान। अब ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल इस सिस्टम को चला रहे होते हैं। मसला ये कि अब जो केस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अपील के अंदर गया तो अपील में जाने के बाद उनकी तबीयत बिल्कुल, इसमें दो तो बातें नहीं हो सकती हैं, उनकी तबीयत डिसबैलेंस थी और उनकी जो उनकी मेडिकल की रिपोर्ट थी वो दुनिया ने देखी। दुनिया क्या, आपको पता होगा जुडिशरी में जब उनकी एप्लीकेशन लगी कि हमें रियायत दी जाए और जो हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ये क्लेरिफाई कर रही हैं कि हम इस जगह पे खड़े हुए हैं कि खुदा ना खास्ता दो अटैक उनके पहले हो चुके थे और तीसरा अटैक अल्लाह ना करे, जिंदगी ना जिंदगी मौत अल्लाह के हवाले। लेकिन जितनी सख्तियाँ उन्होंने रखी हुई थी, आप ये देख लें कि मेडिसिन कहाँ रखी जाती है, ड्री फ्रीजर की फ्रिज की जरूरत पड़ती है तो अमेरिका में खड़े होकर मैं टीवी निकालूंगा और एसी उतारूंगा और ड्री फ्रीजर जो है वो निकाल दिए खींच लिए और जो हालात वहाँ पैदा कर दिए गए जेलों के अंदर, जिस तरीके से अल्लाह माफ करे 302 के कैदी को भी नहीं रखा जाता, जिस तरीके से तीन दफा वजीर आजम बनने के बाद जो है वो लीडरों को बंद करके रखा हुआ था। एक उसकी लॉ की बात हो रही है कि इस किस्म की किसी लॉ के ऊपर बातचीत होने जा रही है कि जो 65 या अबव 65 है और उनकी अगर सेहतें ठीक नहीं है तो उनके भी केसेस को जो है ट्रायल में दोबारा देखा जा सकता है। तो क्या एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ नवाज शरीफ साहब के इस तमाम तर सिनेरियो के बाद, या आपको लगता है कि बेहतर नहीं है?
देखिए हमारे पास जो कानून है, कानून वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर आपकी 50 अबाव एज है तो आप ड्राइवर भी नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि लाइसेंस भी नहीं मिलता, उसकी वजह है कि अल्लाह ना करे कोई अटैक आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, या खुदा ना खास्ता इंसान का कोई ऐसा काम करना छोड़ जाए। उनकी एज इस वक्त 67 की एज थी। ज़रदारी साहब की क्या 65 है, और हम तो छूट मिलेगी फिर 6 महीने 4 महीने से जिस तरीके से अंधा कानून और यहाँ जिस तरीके से बेरूपिये इस मुल्क के ऊपर मसलत हो जाता है तो क्या इस कानून की आड़ में फिर जरदारी साहब? हमने तो हमारी क्यादत ने, हमारे जो हमारे वकुला हैं, जो हमारे वकील हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी थी आसिफ जरदारी की। रिपोर्ट्स अगर आप जुडिशरी में जाके देख लें जो कि जमा हुई है अभी, तो आप देख लें कि उनको ऑलरेडी पहले अटैक जो आ चुका है उनके ऊपर। और ये देखें कि आप इस मुल्क के अंदर अंधा कानून, वजीर दाखिला साहब कुछ अरसे पहले एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि आपके एजाज शाह साहब कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब आधे पैसे दे दे हम छोड़ देंगे। भाई ये मतलब क्या, मतलब अगवा किया हुआ छोड़ देंगे, ये बात हुई थी कि वैसे अभी भी अंडर द टेबल 3 करोड़ की डील हो गई है। मतलब बात ये है कि आप ले लेना, आपने इल्जाम लगाया लेकिन अभी भी तो पैसे तो डील तो हुई है ना। देखिए डील अगर हुई है तो आप उस पे आप बात कर लें डील के ऊपर। कह रहे अगर खुदा ना खास्ता अगर डील होती तो मैं एक बात बताऊं, 11 साल जो जेल काटी थी ना आजाद अदलिया ने बंद किया था, और 11 साल बाद उसी आजाद अदलिया ने आसिफ जरदारी साहब को कहा आपके खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला, आप जा सकते हैं। तो 4 माह हो गए, 4 माह के अंदर 4 दफा एप्लीकेशन लगी बेल की। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस वक्त आमरियत की जो पैदावार है ना, आमरियत वाले आ जाए एक ही दफा, जितना हमारा मीडिया ट्रायल करना है वो किधर गए, 3 डब्बे वाले, केबाड़िए, बर्फ वाले, गोले गंडे वाले, वो कहां चले गए सारे केसेस? ठीक है, हम पे अरबों का इल्जाम लगा के 1.5 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन दी गई आपका जो है वो ठीक है बैंकिंग कोर्ट के अंदर। राइन साहब, इस तमाम तर सिनेरियो में आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ ये तमाम तर एक डिफरेंट प्रेसिडेंट सेट होना, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने पर जो है एक फ्रस्ट्रेशन पीएम में आपने देखी होगी कि उनकी जो स्पीच थी उससे काफी फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी, उसमें एक तकलीफ दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कहीं थर्ड फोर्स जो है वो काफी मजबूत है, और ये तमाम तर सिनेरियो जो अंडर द टेबल हो चुका है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं क्या कहूँगा, यहाँ तो बेसिकली पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, कोई उनके रहनुमा होने चाहिए थे, वो आपको ज्यादा बेहतर बताते हैं। लेकिन तजिया आपका इसके ऊपर क्या कहता है? तजिया तो बेसिकली मैं जो करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जो दोनों पार्टीज के रहनुमा जो बातचीत कर रहे हैं, तो मैं उसी पे करना चाहूंगा। बट ये है कि जो सवाल आपने पूछा वो तो इस तरह से लग रहा है कि आप में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सिचुएशन को डिफाइन करूं या उसकी बात करूं, वो ज़्यादा बेहतर आप भी कर सकती हैं, एज अ जर्नलिस्ट बात कर सकती हैं जब अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद नहीं है। मगर बात यह है कि रास्ते हमवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी बातचीत में कहा नेक्स्ट जो हैं, ठीक है, ज़ाहिर कंप्रोमाइज़। क्या वज़ीर आज़म साहब अकेले हो गए? देखिए अकेले तो नहीं कह सकते, देखें सेटअप तो है, मगर यह है कि जिस तरह की उसको उनको उम्मीदें थी वो तो अभी नहीं चल रहा, लग रहा कि गवर्नमेंट जो है उस तरह से चल पाएगी। जो हाई होप्स थी और जो उनके क्लेम्स थे वो नहीं होने जा रहा। मैंने, मुझे याद है कि मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा 16 मंथ का एक कैलकुलेशन मैंने आपको बना के दी थी, और मैंने कहा था अगर रिकॉर्ड आप दोबारा से देखें तो अभी 16 मंथ हो गए और ये सिचुएशन आपके सामने है। ठीक है, अभी इनको ज़ाहिर है कि जो इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इनको चाहिए कि जो प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे मोहतरम जरदारी साहब हैं, उनके लिए थोड़ा हल्का हाथ रखें। ठीक है, बाकी एक्चुअली डिलीवर करें। अवाम जो है इस वक्त परेशान है किसी और चीज़ से, वोटर जो है पाकिस्तान की जो सिटीजन्स है वो सिविल सोसाइटी जो है बहुत परेशान है दूसरे मसाइल से। एक्चुअली इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को साहब को चाहिए कि अब कुछ डिलीवर करने की तरफ आ जाएं। इंतकामी मामलात हो गए जब आपके बस में नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत दो टोक बात कर दी, ठीक है, और आपने जो सवाल किया था वो भी उनके बड़े दबंग जो स्टेटमेंट वहाँ पर उन्होंने दी थी, जिस शायद किसी को वो इशारा कर रहे थे, उसका जवाब इनको आज मिल गया कोर्ट की तरफ से। तो बेहतर ये होगा कि अब डिलीवरी की तरफ आ जाएं, कुछ ना कुछ काम करके दिखा दें, और अब सिर्फ यही साइड बची है। बाकी जो लूटा हुआ माल निकालना था या वो रिकवरी, लूटा हुआ माल तो कभी रिकवर नहीं हो सकता, वो रिकवरी तो वो आखिरी इनकी कोशिश थी कि जो अभी 1981 और उसकी सारी बातें चल रही थी कि हम इतना बॉन्ड ले लें और ये कर लें, क्योंकि वो कह रहे थे कि जितना भी लॉस हुआ है उस हिसाब से उन्होंने जो है पूरा फिगर लगाया, वो भी नहीं पाएगा। यानी कि लोग तो ये कहते हैं कि भाई 30 रुपए टमाटर, 300 रुपए टमाटर हो गए, मगर 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे जो है वो आजादी मिल गई और वो चले गए बाहर। ठीक है, जिस तरह से देखें तो सबसे सस्ता काम हो गया, तो कहाँ वो 7 अरब और जो भी है वो पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर ये है कि मोहतरम इमरान साहब को और पीटीआई को चाहिए कि अब अपना फ्यूचर का ख्याल रखें कि क्या उनकी जो सियासत है वो 5 साल पूरे कर सकेगी या वो आगे के लिए कुछ कर पाएंगे, आवाम को कुछ डिलीवर करें, वरना ये है कि जो भी होने वाला है वो आपको पता है कि आगे होने वाला क्या है।
तो क्या आप उसकी कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं? प्रेडिक्शन देखिए, मैं इस वक्त नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं, बेहतर ये था कि इस वक्त पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन यहां होती तो फिर ये बात होती, इस टॉक शो में जो बात होती तो फिर थोड़ा सा मजा आता। मैं बीइंग अ थर्ड पर्सन, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कुछ तरह के कमेंट्स दूं। देखिए इमरान खान साहब ने बात की, कॉन्स्टिट्यूशन वो काफी मुश्किल गेम है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी होना, फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और वो काफी टेक्निकल है। वो क्या लगता है आपको, वो हो सकता है ऐसे पॉसिबल? देखिए बहुत कुछ हो सकता है। अभी अगर आपको ताजा तरीन थोड़ा सा पंजाब असेंबली की सूरतहाल का पता हो, वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी बड़ी अंदरूनी तौर पर कुछ चीजें चल रही है और बहुत कुछ होने जा रहा है। तो इस तरह से हमें कमजोरी की तरफ ये चीजें सारी जा रही है, तो अभी उस चीज का फिक्रमंद करना है। ठीक है फहद, इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये सवाल पूछने से पहले आपको जरा बैकग्राउंड पास्ट उठा लेना चाहिए। नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन। सिचुएशन 100% नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, उस वक्त भी वो अपनी बेटी को ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है कि 4 हफ्ते की इनको एज पर लीगल सिनेरियो उनको एक परमिशन 4 हफ्ते की मिली हुई है, लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है और उसके बाद फिर पैराग्राफ जो रीफ्रेज करता है उसमें से ये दिख रहा है कि जब तक उनके डॉक्टर वेरीफाई नहीं करते कि ही इज 100% ओके, तब तक ही वुड नॉट बी एबल टू ट्रेवल बैक टू पाकिस्तान। एज लॉन्ग एज ही इज कम्प्लीटली ओके, ही विल ट्रेवल टू पाकिस्तान। तो इससे तो ये भी जाहिर होता है कि हो सकता है फिर वो जो हाई कमीशन के साथ एसोसिएशन है उसको भी किसी तरह बेहतर कर लिए जाए मामला, और फिर शायद लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ ना आए। मियाँ साहब की जैसे ही तबीयत सही होगी, मियाँ साहब वापस पाकिस्तान आएंगे। जो रिमार्क्स थे कोर्ट के भी कि अगर एक्सटेंशन होती है और मतलब वेरीफाई होता है, आप गवर्नमेंट उस पर वो करेगी कि तबीयत की क्या पोजीशन है, अगर एक्सटेंड होता है तो पंजाब गवर्नमेंट उनको दे सकती है आगे रिलीफ, या एक्सटेंड भी हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। और जहां तक बात रही, अगर 4 हफ्ते से ज्यादा एक्सटेंड होता गया, ये जहां तक बात रही, मैं आपको एक चीज छोटी सी बताऊं, जहां तक बात रही ना, यही सारे चैनल्स, यही सारी चीजें ये उस वक्त भी बोलते थे कि नवाज शरीफ को सजा हो गई है, वो नहीं आएंगे पाकिस्तान। और मियां नवाज शरीफ ने आके अपने हर एक कारकुन का, अपने हर एक वर्कर का, अपने हर एक वोटर का सर फखर से बुलंद किया, अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आया। मैं भी अगर होऊंगा ना, या आप भी अगर होंगी, या ये भी अगर होंगे, तो लोग यहाँ पे FIR कटने पे भाग जाते हैं दूसरा टिकट। नहीं, वैसे भागने की तो मियां नवाज शरीफ आए और आके जेल में गए, अपनी बेटी को जेल में लेके गए, सही है। ये इनको 7 अरब जो इन्होंने लगाई थी इंडेमनिटी, इनको ये सोच लेना चाहिए था कि हम किसके ऊपर लगा रहे हैं इंडेमनिटी। अगर ये इमरान खान के ऊपर इंडेमनिटी लगाते ना, तो लोग बोलते कि हाँ यार ये वैसे ही भाग जाता है, FIR हो जाती है तो ये छुप जाता है घर में। बकौल इमरान खान के खुद कि मैं तो घर के अंदर छुप गया था, मैं फलां के दूसरे घर में चले गया था, ये इमरान खान ने ही बोला था ना। तो ये सारी बातें, और मियां नवाज शरीफ 100% आएंगे। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर बोला था कि मैं आपको दावा करता हूँ, हमारे इतने MNS थे, सारी चीजें थी वहां पे, उन्होंने बोला हम सब आपको देते हैं कि वो वापस आएंगे। और आज चीफ जस्टिस ने जो बयान दिया ना, मेरा दिल खुश हो गया उनके बयान से, कि इमरान खान जो जेस्टर देना चाह रहे हैं ना अपने वोटर्स में कि मैंने नहीं कोई डील की, मैंने कुछ नहीं किया। और डील वील क्या है, एक जो आप देखें, इमरान खान ने पहले बोला कि मैं इंसानी हमदर्दी बुनियादों पर नवाज शरीफ को रिलीफ करते हैं, उसके बाद ये कौन सी इंसानी हमदर्दी बुनियादें कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आप जाएं बाहर, डाउट है ना उनको, कहां का डाउट है, वो कह रहे थे कि वापस नहीं आएंगे, डाउट है उनको कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए किस पे। अभी जैसे भाई ने बोला 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे, कांग्रेस 7 अरब रुपए, ये तो एक इन्होंने बिल्कुल, और वो 1981 के आर्टिकल में कहीं है भी नहीं जो इन्होंने डाउट दिया था, वो सिर्फ इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि लोगों को ये जेस्टर ना जाए। और आज चीफ जस्टिस ने उनके वोटर्स को अच्छी तरीके से बता दिया कि क्या हुआ है सारी सिचुएशन। इस तमाम सिनेरियो में आपको क्या लगता है, क्या आपको सर्व मौलाना साहब ने किया है? नहीं नहीं नहीं, मौलाना साहब ने, देखिए मौलाना साहब के अपना एक डिफरेंट सेगमेंट था और मियां नवाज शरीफ का पहले से चल रहा था। सर्व करना नहीं, लेकिन मैं फिर एक बात बोल दूं कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत जेन्युइनली खराब थी, जैसे कि अभी आसिफ जरदारी की है, और जो मतलब डिफरेंट लोग हैं, और जहां तक इन्होंने जो अब ये देखें नए चक्कर शुरू किया है इन्होंने, और बहुत अच्छी बात है अगर कर रहे हैं तो रिलीफ देने का, लोगों को 55 साल से बड़े या 65 साल से बड़े, क्योंकि लोगों को ये जेस्टर देना है, ये एक चीज का ऐलान करते हैं उसके बाद खुद ही उसको आके कवर अप कर रहे होते हैं। देखिए अब जो भाई ने बात की ना, आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। अब डिलीवरी की तरफ आए, कोई मौलाना साहब ने सर्व नहीं किया, लोगों की तरफ डिलीवरी को आए, लोगों को डिलीवर करें। लेकिन कहा जा रहा था जो उनकी डेट थी, जो उनका धरना वाइंड अप करने की इस्लामाबाद से थी, वो और वो वहां पे वो तमाम जो सिनेरियो नवाज शरीफ साहब का था वो बिल्कुल मैच कर रही है। मतलब ये आप कहने का आपका मकसद क्या है,
کہ مولانا کے دھرنے کی وجہ سے گورنمنٹ پریشر میں آ گئی. This is what people are talking about. Yes, people were talking about. نہیں, people very well know کہ نواز شریف کی طبیعت خراب تھی اور نواز شریف نے جانا تھا, ان کو علاج کرانا تھا, وہ علاج کرا کے واپس آئیں گے. یہ میں کیٹیگوریکلی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور سارے سننے والوں کو کہہ رہا ہوں, میاں نواز شریف بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. میاں نواز شریف بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں, وہ واپس آئیں گے. اور ویسے ان کی جو ہسٹری ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیشہ وہ ڈیل کر کے گئے ہیں. اس دفعہ شاید آپ کہہ رہے ہیں ڈیل کس نے کی ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کس سے ڈیل ہوئی ہے. آپ بھی بتا دیں نا ویورز کو. میں کیوں بتاؤں, مجھے تو نہیں پتا ڈیل ہوئی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا ڈیل ہوئی ہے کوئی. میاں نواز شریف کی طبیعت خراب تھی, وہ چلے گئے باہر, جب طبیعت صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے پاکستان. آپ بتائیں ڈیل کس سے ہوئی ہے. چلے ٹھیک ہے, ایز پر دی پاسٹ ریکارڈز کہا جاتا ہے کہ تمام تر جو ڈیل ہیں وہ ہوئی ہیں, لیکن ہم اس پر ڈیٹیل میں. پاسٹ ریکارڈ تو یہ بھی تھا کہ اس وقت بھی ان پر پریشر تھا کہ آپ انگلینڈ سے نہ آئیں اور وہ انگلینڈ سے آئے. ایک وقفے کے بعد ہم گفتگو سلسلے سے جاری تھے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل جو پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت سناریو, پولیٹیکل سناریو چل رہا ہے اس پر. اب ہم بات کریں گے مولانا صاحب کے اس تمام تر ایک پوزیشن کے اوپر, جو کہ ان کو ان کی ایک پوزیشن شاید بحال ہو گئی ہے. ان کی پوزیشن کہیں پہ موجود نہیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان. کہیں پہ ایک ایک بیچ میں ایک اسپیس برقرار تھا جو کہ شاید انہوں نے اب ریٹین کر لیا. ان کی پوزیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا انہوں نے صرف پرپز سرو کیا یا پھر ان کی پوزیشن بھی مضبوط ہوئی ہے؟ دیکھیں پرپس سرو کس چیز کا پرپس سرو کیا مجھے آپ جانتے ہیں, وہ جو کہا جا رہا ہے جو ایک پرپس سرو کیا ہے انہوں نے اپنی اپوزیشن جماعتوں میں سے ایک جماعت کے لیے, شاید دوسری جماعت کے لیے بھی کچھ رستہ بنا. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے دھرنے سے نواز شریف کو ریلیف ملا ہے؟ یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے, لیکن سوال بیسیکلی یہی ہے. پرپس جی دیکھیں, جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے, مولانا صاحب نے دھرنا دیا اور نواز شریف صاحب کی طبیعت جینوئنلی خراب تھی, میں پھر وہی بات بولوں گا, اور نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. 50 روپے کے بانڈ پیپر کے اوپر میاں نواز شریف باہر چلے گئے اور وہ واپس بھی آئیں گے, پھر میں یہ بات بولوں گا. جہاں تک مولانا صاحب کے دھرنے کی بات رہی, یہ تو آپ ان کو اگر جے یو آئی کے کسی ریپرزنٹیٹو کو لائن پہ لیں تو وہ آپ کو صحیح طرح بتا سکیں گے. انہوں نے اسلام آباد سے ختم کیا مختلف مطلب کے شہروں میں دھرنے دیے. اب کیا پاکستان مسلم لیگ نون ان کا ساتھ دے گی اوور آل جو ایک؟ بالکل, مولانا صاحب جس مطلب جمہوریت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اس مہنگائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کو فوراً ہٹایا جائے, لوگ بہت پریشان ہیں. ہم وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں پارٹی کے جو کور کمیٹی ہے اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ ڈیلیور ہوگا آگے. کیا ابھی اس وقت تک کوئی بات چیت ہوئی ہے پارٹی میں اس حوالے سے کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے؟ یہ جو پورے ملک میں ایک پروٹیسٹ کا انہوں نے کلیم کیا ہے, کچھ ایریاز میں آلریڈی کر بھی رہے ہیں, لیکن اس کو جو ہے لوگوں کے لیے مصیبت بھی سمجھا جا رہا ہے, تو کیا آپ لوگ ان کا مورلی اور فزیکلی ساتھ دیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں, شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے, مولانا صاحب نے اپنے وہ دھرنے بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا آج. اچھا اور مولانا صاحب نے کہا کہ دس از دی فائنل ورژن, افیشل ورژن, ریبل کمیٹی نے کیا. اچھا مولانا صاحب نے وہ دھرنے بھی ختم کر دیے. اچھا انہوں نے یہی بات بولی کہ یہ جو اپنا جو عوام کو پریشانی ہو رہی ہے, ہم عوام, جبکہ اتنا ڈسپلن دھرنا تھا کہ ایمبولینس کو بھی راستہ مل رہا تھا ادھر سے گزرنے کا. ٹھیک ہے, میری بات سنیے گا. اس کے بعد اب انہوں نے وہ دھرنا ختم کر دیا, اب رہبر کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے. رہبر کمیٹی میں پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے, اور بھی اپوزیشن کی پارٹی ہے, اے این پی ہے, اور بھی بہت ساری اچک زئی کی پارٹی ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں مطلب کہ جلسے ہوں گے پریشر کے لیے گورنمنٹ کے اوپر. اس کے علاوہ جو فورن فنڈنگ کیس تھا اس کی ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ ہو, کیونکہ وہ بہت تیزی سے اوپر آ رہا ہے. یہ تو فورن فنڈنگ میں عمران خان کیا پوری پی ٹی آئی نیچے ان کا کونسلر تک جائے گا, آپ دیکھیے گا بھی آگے ہونے کے حوالہ ہے. ٹھیک نعیم, جس طرح سعید ونی صاحب نے کل بھی ڈسون کر دیا تھا ان کی اس اوور آل جو لاک ڈاؤن کی وہ باتیں کر رہے تھے پورے ملک میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ اوپنلی اعلان کیا کہ اس سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے اور اسی لیے مولانا صاحب نے اس کو ختم کیا ہے, یا یہ پورا ایک الگ پکچر ہے, کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن موجود ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی پارلیمنٹ کی بالادستی اور رول آف لا کی بات کر رہے تھے اور ہم ان کے ساتھ اٹیچ تھے. دھرنے تک تو ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا, نہ ہم نے ان کو کہا کہ دھرنے دیں. احتجاج جمہوریت کا حسن ہے, اور 18-20 اگر آپ نکات دیکھ لیں, ریویو کر لیں, تو حکومت وفد اگر موجودہ حکومت وفد کام نہ کرے تو عوام اور اپوزیشن جو ہے وہ رائٹ رکھتی ہے, حق رکھتی ہے
तो धरने, तो मैं आपको बताऊं बात यह कि जब धरने का ऐलान किया गया था तो इन्होंने पीटीआई की हुकूमत ने एक दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में कि ये धरने की तरफ जा रहे हैं, एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, और हाई कोर्ट ने उसमें रिमार्क दिए थे कि आप लोगों ने भी 126 दिन का धरना दिया था, तो आप लोग जब आप लोगों ने दिया था तो उस वक्त हमने तो आपको नहीं रोका था। तो बहरहाल ये अगर पुरमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं या धरना देना चाहते हैं तो ये अपना जो है वो अपना दे सकते हैं, और इस पर एग्रीमेंट एक वादा तय होता है धरना ये एहतजाज उसके लिए। क्या ये जो इनका ये तमाम तर ये एक इनका जो डिसीजन था, क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से वीक हुआ है या कोई और इसके पीछे वजह है? देखिए डिसीजन तो जो है वो चेंज नहीं हुआ, और मैं आपको बताऊं जो धरने अभी ख़त्म करने के लिए ऐलान किया है रेबर कमेटी ने, इसमें तकरीबन 9 अपोजिशन जमातें थी और तमाम जमातों ने मिलकर जो है वो ऐलान किया। उसकी वजह ये थी कि आम इंसान को जो रुकावटों में नुकसान हो रहे थे, बच्चे स्कूलों पर नहीं जा पा रहे थे, ऐसी सूरत हाल के अंदर बेहतर ये था ख़त्म कर दिए जाएँ। फिर सेकंड बात ये रही कि देखें आप ये आपके धरना जो आपके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, आप ये देखें कितना पर्व मन रहा। अच्छा ये लोगों का सोचकर, ये सोचकर कि अनलॉफुल काम हो रहा है, ये सोचकर खत्म हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सोचकर खत्म हुआ है, या इसके पीछे भी कोई वाकई राज है? देखिए ऐसा तो कोई रास नहीं है, अल्लाह ना करे। बात यह है कि खुदा ना खास्ता बात यह है कि इमरान खान ने खुद ये धरने मुतारफ कराए थे इस कौम को, और जो वहाँ बैठ बैठ के आवाज़ें लगाई थी, पार्लियामेंट को लानते भेजी, और जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो कुछ टांगा, फिर आप वही कहेंगी पुरानी वाली बात जी, आपकी पुरानी लाइन होती है हर तो वो नेकर और चड्डे जिस तरीके से धूतियाँ टांगी गई थी। तो यहाँ तो देखें बात यह कि तमाम अपोजिशन जमातों ने एक धरना दिया और उस धरने में आप ये देख लें कितना परमन रहा, खुदा ना खास्ता किसको गमला वर्दियाँ थी, बिल्कुल आरएसएस की वर्दियाँ लग रही थी, और वो पता नहीं कि वो उसका तो बहुत अच्छे से आमिर लियाकत साहब ने भी एक पूरा एनालिसिस दिया था। वैसे मैं उनकी किसी भी ओपिनियन को एंडोर्स नहीं करती आमिर लियाकत साहब के, लेकिन उनकी वो बात उस वक्त काफी अच्छी लगी थी। बहुत अच्छी बात है, जो उनको जिस तरह एंडोर्स वाले सुबह सवेरे जब उठते थे ना, जब झाड़ू लगाते थे, यही वर्दियों वाले जब जमात कराते थे, नमाज पढ़ाते थे, यही वर्दियों वाले जब अजान देते थे ना, लोगों को वहाँ तबलीग की राह दिखाते थे, यही वर्दियों वाले थे। सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ नाच गाने तबलीग जाके वहाँ करे ना, गालियां नहीं देते थे, ये वर्दियों वाले जो है वो जाके मारपीट नहीं करते थे, यहाँ से एक्सटेंशन आप जो है नहीं देते थे, झूले भी झूल रहे थे, वहाँ पिकनिक भी चल रही थी। वो पिकनिक तो बात ये है कि अब अपना आपको उन्होंने यूटिलाइज तो करना ना, एक धरना किस हद तक धरना हो सकता है, लेकिन बात ये कि परमन रहा, खुदा ना खासा परमन धरने डंडे भी हाथ में थे, परमन तो वाकई था, लेकिन स्टेट ऑफ द रेट को चैलेंज करने की वो तबलीगी, उसमें बहुत सारे लोग तबलीगी जमात के, तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो डंडा हाथ में रखते हैं। अपनी फौज बना सकते हैं नहीं, कल को क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपनी एक अलग जमात बना ले और कहीं हमारी फोर्स है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है आपको? देखिए बात फोर्स बनाने की इजाजत, बात ये कि मैं एक बात बताऊं, जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आएगा तो आया था तो आपको याद होगा पीर पगारा साहब ने एक फौज तैयार की थी और ऊंटों पर और घोड़ों पर नहीं, एक बड़ी सवारी, सवाल बड़ी सवारी जो है, हमारा आईन हमें इजाजत देता है कि हम अपनी फोर्स बनाए? देखिए फोर्स की तो इजाजत नहीं देता है, लेकिन फोर्स के साथ छाना बछाना खड़े होने की इजाजत देता है। पीली वर्दियों वाले जो थे उनको पता है कि बात ये है कि हुंडों को कॉपी करके वैसा ही कुछ फिनोमिनन, बात ये कि रिट क्या है ना, रिट कहाँ चैलेंज होती है और रिट कहाँ चैलेंज नहीं होती है, देखना ये है कि हमने रिट वहाँ खुदा मौलाना साहब की जो पगड़ी है वो भी काफी वही उन्हीं का वो एक झलक दे रही होती है, शायद अपना पगड़ी का रंग नहीं बदलते, वो भी काफी इंस्पायर्ड है लगता है। नहीं तो अगर फिर ये बात करेंगी तो फिर तो बहुत सारी बातें उड़ जाएंगी, फिर तो फिर बात ये है कि इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहे। फिर तो हम अगर बात करें इमरान खान जो है वो या मदीने की रियासत की बात करता है, अपने बच्चों को तो मुसलमान कर लेना पहले आके, उनको मुसलमान बनाने की नसीहत दे दे, यहाँ आते आपको पता है सर, तो यहाँ नहीं अबू मिलते वापस जाते अबू मिलते मदीने की रियासत, नहीं आप तो नहीं जानते ना, ना मैं जानती हूँ, आप जानते हैं घर से स्टार्ट करते हैं नहीं है, तो जस्ट लेट्स लीव दिस टॉपिक क्योंकि हम जानते नहीं है, और ये एक अजम्पशन के ऊपर बात नहीं हो सकती, एक चीज जो दिख रही है उसके ऊपर अजम्पशन हो सकती है। वो पहनते हैं उसको लाजमी तारुल कादरी साहब आते थे एक दिन लॉकेट पहन के घूमते, हम क्या कहते हैं कि इसराइल के एजेंट, खुदा ना खास्ता ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके नहीं नहीं ये स्टांस ठीक है, दुरुस्त है आपका कहीं कहीं किसी हद तक। और अख्तर रानी साहब, इस तमाम तर सिचुएशन में क्या आपको क्या लगता है कि प्रेशर बिल्ड करने के बाद अब मौलाना साहब ने सोच लिया कि जितना प्रेशर बिल्ट अप करना था वो हो चुका है, अब मजीद नहीं करने की ज़रूरत, या इसके पीछे भी कोई और मोटिव है? देखिए प्रेशर तो बिल्डअप किया उन्होंने, उन्होंने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया, जो इस्तीफे का उनका एक मुतालबा था वो तो नहीं हुआ, थे उनमें पांच बड़े मुफादात जो है उन्होंने अचीव कर लिए जी, ठीक है तीन और रह गए, कौन कौन से मुफादात ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको वही बताएंगे, अच्छा आप खुद इस पे सोच लीजिए, नहीं आप थोड़ा व्यूअर्स को बता देंगे तो बिल्कुल, ये वही इनसाइड द न्यूज है ना, ये इनसाइड द न्यूज में ये तीन दो तो मेरा ख्याल है वो एक्सपोज हो गए, एवरीवन नोस दैट, ठीक है बल्कि तीसरे का भी पता है। बात यह है कि मुख्तलिफ कुव्वतें हैं, बहुत सा प्रेशर है, सिर्फ मौलाना साहब नहीं थे जिसकी वजह से इमरान साहब ने घुटने टेके,
क्या नवाज शरीफ साहब के लिए रहा बार भी इसी वजह से? देखिए ये बेस्ट सिचुएशन थी कि हुकूमत भी अपने हाथ पीले यार सॉरी रंगीन नहीं करना चाहती थी और उन्होंने कोर्ट पर डाला और कोर्ट ने भी एक हिकमत अमली पहले नैब ने नैब अपने ऊपर नहीं लेना चाह रही थी, फिर वफाक अपने ऊपर नहीं लेना चाह रही थी, फिर कोर्ट्स के ऊपर बात आई, इंटरनेशनल कुवतें तमाम। लेकिन वर्जीनिया के एक अखबार की आपने हेडलाइन देखी होगी, काफी मकबूल हुई है और उस आर्टिकल के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन भी हो रहा है पाकिस्तानी कोर्ट्स के हवाले से, क्या कहा जा रहा है? बिचेस ऑफ द रिचेस। देखिए फिर वो ये डिबेट शुरू हो जाएगी, फिर मैं इस पे बिल्कुल बहुत इज्जत और एहतराम के साथ बिल्कुल एहतराम करते हैं, मगर लेकिन ये एक इंटरनेशनल परसेप्शन बिल्ड अप हो रहा है। मैं लेट इसको वाइंड अप करें ना, टाइम आपका कम हो रहा है, वरना तो और भी टोकरियां खोल के बैठ जाएंगे। देखिए बेहतर तरीके से चीजों को वाइंड अप किया गया है, ठीक है, जो कोर्ट ने किया ठीक किया, हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया ठीक किया, डील नहीं की तो चलो डील तो दी जो उनके बस में थी, अभी उसका नाम चेंज कर दे एनआरओ, नाम खत्म हो गया, डील भी खत्म हो गई, अब आप डील तक सिर्फ रहे आप, ठीक है, अब डील में जो हो गया। मगर एक बात मैं बात करूंगा सर की, के मुस्लिम लीग नून की जो है वो बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ साहब जब दोबारा वापस आएंगे ना वो आएंगे जरूर, ये लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता, हाँ थोड़ा सा लेट आएंगे, मगर जब वो आएंगे ना उस वक्त समझ लीजिएगा कि ये हुकूमत जाने वाली है जी, ये जरूर बता दूं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैरियर है जी, पॉलिटिकल पार्टीज ये तो उनकी कन्विक्शन में क्या ये साबित नहीं होता कि वो ताहयात जो उनका मामला था उस पर उस कन्विक्शन के उस पॉइंट पे क्या कहेंगे आप, ताहयात नाअहल होने वाला? देखिए बेशक अगर वो क्या लीडरशिप से उसको नाहल किया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे ना जी, क्या वो कुछ और नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं कि वही सिनेरियो हो जाएगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनाया था जी, यहाँ पे ओवरऑल प्रेसिडेंशियल पावर, कुछ नया होगा, बहुत सी तरामीम, बहुत सी नई चीजें इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। बात यह है कि इस वक्त जो दूसरी पार्टीज के जिनकी अभी तक जस्ट डिसाइड नहीं हो पाया उन पर भी रहम करें, अब इंतकाम छोड़ें, काम करें बस, और काम कर लिया अगर तीन या चार महीने काम कर लिया। तरीके इंसाफ के ही जो बहुत सारे कैबिनेट में जो शामिल लोग हैं उनके हवाले से भी बहुत सारे केसेस खुलने वाले हैं, उनके ऊपर भी जो है एक स्ट्रिक्ट उनको अंडर ट्रायल रखा जाएगा और बहुत सारी जो अंदर इन हाउस तब्दीलियां वो भी होने जाएंगी, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए ये तब्दीलियां भी होंगी, चेंज आता जा रहा है, देखिए उसकी वजूहात कुछ और हैं, ठीक है, वो ये नहीं है कि जो जिसे माजी की प्रैक्टिस रहती थी वैसे ही वही तरीके अख्तियार किए जाएंगे, वैसा इतना आसान काम नहीं है। मगर जो मेन बात है कि इस वक्त अगर ये फरवरी तक डिलीवर नहीं किया ना इन्होंने, ये आज मैं बात कह रहा हूँ आपको, तो आप देख लीजिएगा कि फरवरी के बाद क्या होने वाला है, नया 2000 जो 2020 है इसमें कुछ खास किस्म की चीजें होने वाली है जो कि पीटीआई की हुकूमत के लिए बहुत भारी है। अच्छा, ये आज की स्टेटमेंट मेरी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में जैसे कि आप कह रहे हैं कि इंटरनल जो इन हाउस तब्दीलियां हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं, कहां कहां पर एक्सपेक्टेड हैं? बिल्कुल हैं, सूबाई हुकूमतों में भी है, केपीके में भी है, मगर वो लास्ट में होगी, फिलहाल पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि जो उनकी गवर्नमेंट है वहाँ प्रोविंस की गवर्नमेंट, परवेज खटक साहब की पोजीशन भी रिटेन होगी, आपको लगता है कि उसपे भी कुछ है? वहाँ से हलचल शुरू हो गई है, एक्टिविटीज हो रही हैं, मगर वो भी कबल वक्त है, इस वक्त बात करना है कराची में बैठ के, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की बात की जाए जो कि आपने बहुत कम की, तो सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ काम करें। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि डिलीवर कीजिए प्लीज, कुछ ना कुछ कर डालिए, क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी ने अगर कुछ और मजीद अच्छे काम कर दिए, क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट कुछ इन्होंने किए हुए हैं, बट इनको अभी चाहिए क्योंकि वफाक में जाना है, वफाक में जो इनकी हिस्सा है वो दोबारा इन्होंने लेना है जी। पीटीआई जो है वो एक अच्छा ताज़ा झोंका था जो आवाम को लगा, मगर अब उनको वो ताजगी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि वो मुसीबत में आ गए, महंगाई का झोंका था, ताकत कहीं और है, असल ताकत बिल्कुल है वो तो। फहद, इस तमाम तर सिनेरियो में आज वज़ीर आज़म साहब ने जो है इकॉनमी के हवाले से भी बात की, वो कह रहे हैं कि इकॉनमिक जो मैक्रो इकॉनमिक इंडिकेटर्स हैं दे आर वर्किंग प्रोडक्टिवली, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी अपनी जगह बरकरार है और बहुत सारी चीज़ें अभी भी अपनी जगह पर बरकरार हैं, लेकिन ये स्टांस कुछ अर्सा पहले भी आया था कि हर प्रोविंस की जो इंडिविजुअल प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही। इस वक्त कराची की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि इस तमाम तो सिचुएशन में इन्फ्लेशन का शायद एक मसला ये भी है कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी ठीक से काम नहीं कर रही?
देखें जहां और वाकई पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव पैथ पर हैं। देखें अभी जो भाई ने बात की ना, मैं पहले थोड़ी सी वो बात क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं इस पॉइंट पे आऊंगा कि मियां नवाज शरीफ को पहले भी आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में भी सज़ा हुई थी, और मियां नवाज शरीफ जाली केसेस जैसे अभी बने हुए वैसे पहले बने हुए थे, पनामा फिर अकामा फिर बहुत सारी चीजें, तो उसके बाद भी रिपोर्ट आई थी कि नवाज शरीफ का नाम ही नहीं है पनामा में, ये भी आपने पढ़ी होगी शायद। नवाज शरीफ के ऊपर बने सारे केसेस, फिर उसके बाद उनको नाहेल कर दिया, दोबारा वजीर आजम से हटा दिया, उसके बाद नवाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन में जाके ये कमजर्फ लोग जो पीटीआई वाले हैं कि ये सदर भी नहीं रह सकते पार्टी के, तो आपने सदर से भी हटा दिया। लेकिन भाई की बात है, नवाज शरीफ दोबारा आएगा, 100% आएगा, आप सदारत से भी हटा दें, तो वो क्या आप वजीर आजम से भी हटा लेकिन दें, ये नहीं पता लेकिन आप ये दिलों में से नहीं निकाल सकते। अच्छा। नवाज शरीफ को कराची वालों को जितना अमन और सुकून नवाज शरीफ ने दिया है पाकिस्तान में, जब जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, सजा काटी है अब तक किसकी, रिसेंटली अब कितनी सजा कट चुकी है उनकी, 4 हफ्ते वो बेल पर आए, बिल्कुल 8 हफ्ते वो बेल पर फिर आए, फिर अब 4 हफ्ते की उनको अब्रॉड ट्रेवल करने की परमिशन मिल गई है, इस तमाम जो टेन्योर है उसमें उन्होंने टोटल और ये केसेस फिर खत्म हो जाएंगे। चले मुझे ये बता दे कितनी सजा काटी, देखिए और मतलब कि मेरे हिसाब से 2-3 महीने 4 महीने तो उन्होंने सजा काटी है, सही है, लेकिन क्या है ये केसेस आपके सामने पुराने भी थे, बहुत लोगों पे बने हुए थे, बहुत सारी चीजें थी, ये जाली केसेस बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, ये जब सजा खत्म होने मुझे ये बता दें कि कितने सारे ऐसे लोग इमरान खान की सफों में बैठे हुए जो सारे मुजरिम थे, जो इनके पास आके एकदम से क्लियर हो गए। चेयरमैन नैब कहते हैं कि वो फिरदौस आशिक अवान पे जो केस था वो खत्म कर दिया गया, बाबर अवान का केस कहा गया, चौधरी परवेज इलाही का केस कहा गया, तो आप दोनों के ही वो कहते थे, नहीं तो हमारे लोग थे ना, आप तो उनको पहले डाकू कहते थे, अब आपने क्यों ले लिया उन डाकुओं को, इसका मतलब आपने आवाम को गुमराह किया, सही है। दूसरी चीज जहां तक रही बात, आप जो इकोनॉमी की बात करें, देखिए कराची में अगर हम कराची की बात करें ना, तो कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी एक मेरे दोपहर में एक केस ऐसा हुआ है जिधर पीटीआई का एमएनए जिसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है ना अहली की, असलम खान और जो उनका एमपीए अब्बास जाफरी, वो दोनों उनके एरिया में साइबर लिंक की लाइनें डल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, पहले जो रोड खुदते हैं वो तो बनते नहीं है, उसके बाद अब दोबारा डाल रहे हैं, डीएमसी की इन्वॉल्वमेंट से बन रही है, कितने कितने चलान 2498 स्क्वायर फीट के चलान दिए हुए और रोड कटिंग 4 ब्लॉक्स में हो रही है, ये इसका कौन पूछेगा, आवाम इतनी परेशान है, एक वहां पे लोग निकल आए थे 300-400 के करीब रोड के ऊपर, वो मसले हैं, एमएनए एमपीए इलाकों से गायब है, इलाकों में है ही नहीं, तो ये किस तरीके से चलेगा। कराची को तो इस वक्त लवारिस छोड़ दिया है बिल्कुल, वफाक को इन्होंने जिनको ये कराची में कहते थे कि कराची में दहशतगर्द है एमक्यूएम को, उसको अपने साथ मिला लिया, वो वजीर कानून उनका बना दिया, आईटी मिनिस्टर उनको बना दिया, जो कहते हैं मुझे आईटी का कोई मालूमात ही नहीं है। इधर उठा के आप देखते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में आपको ही रूमर्स आती होंगी ना, अभी भी एक रिपोर्ट चली थी कि काबीना में शफलिंग का इम्कान है, सही है, वो फिर उसके बाद असद उमर को और उनको खुसरो बख्तियार को दूसरी वजारतें दे दी, तो भाई आप ऐसे लोग लाएं जो चला सके, डिलीवर करें, पहले उनसे बात, मैं कहता हूं एक बिल्कुल एक खूंटे से खोल के दूसरे खूंटे पे बांध देना कोई हल नहीं है। आप ऐसे लोग लाएं, आप लोग, मैं कहता हूं इमरान खान इस वक्त वो आदमी है जो अपनी मर्जी से एक वजीर भी नहीं लगा सकता, बस, और हमेशा ऐसा ही होता रहा है, नहीं हमेशा ऐसा नहीं हुआ, कभी आपने देखा, कभी आपने देखा ये इमरान खान के बयानात, आप फिर वही वाली बात आ जाएगी कि पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं, हम तो पुरानी बातें करेंगे, आवाम को रिलीफ दें, आप नौकरियां दें, नौकरियां अब इमरान खान के और इनके वजराओं में आपस में एका नहीं है, वो बोलते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो बोलते हैं गवर्नमेंट का काम नहीं है नौकरियां देना। सिचुएशन में जहां पे प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की बात होती है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेक एंड बैलेंस उस पर रख रहे हैं, क्योंकि डोमेन तो इवेंचुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और क्या कमिश्नर कराची से कोई रिपोर्ट मांगी जाती है, अगर आप सब्जी मंडी जाएं तो कोई रिपोर्ट नहीं लगी हुई, कोई लिस्ट नहीं है वहां पर कि काम कैसे हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो फर्दर आगे होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल के ऊपर 200% लगा के बेचा जाता है, ये तमाम तर कैसा सिस्टम है, क्या हो रहा है? देखें ऐसा नहीं है, अगर आप सब्जी मंडी में चली जाए ऐसा तो ही है, प्राइस नहीं साहब, एक गड्डी वहाँ पे 1 रुपए की, दो धनिया की गड्डियाँ मिल रही है, यहाँ पे 10 रुपए की एक धनिया की गड्डी मिल रही है, आप तो पूरी कंप्लीट लिस्ट निकाल के चेक करें, 8 रुपए का यूनिट और फिर 18 रुपए का हो जाए, जिस मुल्क के अंदर 116 रुपए का डॉलर 160 चला जाए, बात नहीं साहब, 1 रुपए की एक धनिया की गड्डी और मार्केट में मिल रही है 10 रुपए की,
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مل رہی ہے نا تو ایسا نہیں ہے اس کے لیے پھر اس کے لیے ہمارے پاس جو آپشنز ہوتے ہیں نا کنٹرول کرنے کے لیے ان کو جیلیں بھی دی جاتی ہیں ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں ان کو بند بھی کیا جاتا ہے لسٹ تو مینڈیٹری ہے یہاں تو لسٹ نہیں ہوگی نا لسٹ تو اپنی جگہ پہ ہوگی جو اس کی پلیس ہے جو جگہ بنی ہوئی ہے آپ کے کہنے سے تو نہیں میں مان سکتا نا آپ میرے ساتھ کام بھی کیمرہ اٹھا لیجیے تو ہم باہر نکل جاتے ہیں جا کے لسٹوں کو چیک کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے پورا نہیں ہے پر کام کر لیں سبزی منڈی جا کے وزٹ کر لیجئے اور پرائز وہاں پہ پرائز لسٹ ضرور چیک کیجئے گا اگر کہیں پہ آپ کو کمشنر کراچی کے اس کام کی جو فرسٹ سٹیپ ہے ان کا وہ یعنی پورا ہوا ہوا کورٹس نے کہا کہ 94 کے اوپر یا اس سے زیادہ آپ کو دودھ نہیں بیچنا وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے 100-110 جگہ اور علاقے کے حساب سے اس میں ویریشنز آ رہی ہیں 100 سے کم تو کہیں مل ہی نہیں رہا کہاں ہے پرائز کنٹرول اتھارٹی آپ لوگ تمام پر معاملہ وفاق کے اوپر ڈال دیتے ہیں دودھ مافیا کی اگر بات آپ نے کچھ کام کرنا ہے پھر سندھ میں میں آج یہ کر رہا ہوں کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ بات یہ کہ میں فخر ہے کام کر رہے ہیں تو تبھی روڈیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں ہر جگہ کام کر رہے ہیں تو بات یہ نا کہ تین دہائی سے ہم لوگ ماشاءاللہ سے سندھ کے اندر ہم نے حکومت بنائی ہے اور ماشاءاللہ بہت ڈیولپ بھی کر رہے ہیں لوگوں کی ہوئی ہوئی نہیں نکالی بات پتہ ہے کیا بات یہ الوینا کہ جہاں جہاں بات یہ ہے کہ ایک مافیا کا یہاں پر جو ہے ہولڈ رکھتا ہے کیونکہ ان کا تعلق ایجوکیشن سے ان کو پتا ہوگا پرائیویٹ ایک ایسوسیشن کی اگر میں بات کروں تو وہاں بھی ایک بڑا مافیا ہے جو پرائز کو کس طریقے سے وہ آگے کرتا ہے جب احتجاج کرنے جب ہم ان کے اوپر بریک ڈاؤن کرتے ہیں یا ان کے اوپر تھوڑا سا یہ کہ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر آگے سے چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں ایک یہاں جماعت ایسی معاملے پہ بھی مافیا مضبوط ہے کبھی رینجرز کے اوپر اٹھا کے ڈال دیتے ہیں کہ یہاں کے پانی کی بدماشی کون کر رہا ہے جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پوری اوور آل ان لافل کام ہو رہا ہے پانی نصیب نہیں ہے لوگوں کو ہر جگہ کیوں مافیا مضبوط ہے واٹر کیس میں بھی واٹر مافیا ہے ہر جگہ مافیا ہے آخر ختم کریں نا مافیا کو پھر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ مافیا کو ختم کرنے کے لیے بنیادی طور پر کراچی میں ایک سب سے بڑا مافیا ہوا کرتا تھا لوگ گنتی کرتے تھے 40 ہو گئے 50 ہو گئے گنتی ہے الحمدللہ بات یہ کہ آج وہ کوکین جو یہاں پر اجڑ جاتی تھی نا اس مافیا سے ہماری نجات ہوئی جان چھوٹی پھر وہ مافیا ابھی بھی یہاں پر ایکٹیویٹ ہے صرف فرق اتنا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمارے جو الیکشن کے اندر ہمارا ووٹ انہوں نے چوری کیا ہے یہ پھر ٹارگٹ کلر تھے آج کل ان کے اتحادی ہو گئے اور آج کل نفیس بنے گئے اگر کراچی کی میں بات کروں تو چار چیئرمین ڈسٹرکٹوں کے اس وقت ایم کیو ایم کے ہیں اگر بات کروں صدر پاکستان پی ٹی آئی کا ہے 22 ایم اس وقت ایم پی اے میں وہی بات کر رہا ہوں نا 22 ایم پی اے دیکھیں کام کرنے کی اتھارٹی کیا کریں کسی ایم پی اے کے حلقے میں جا کے اس کو مارنا شروع کر دے جا کے نہیں آپ نے کام کروانا ہے جب اتھارٹی آپ کی ہے یہی تو ہے نا بجٹ آپ نے یہاں بات یہ کہ پلیٹ میں رکھتے حکومت بنا کے دے دیں 22 ایم پی اے 13 ایم این اے صدر پاکستان گورنر سندھ یہاں سے اٹھا کے پی ٹی آئی کے نکال کے دے دیں پھر یہ کہتے ہیں ہمارے اختیارات کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کس کے انڈر میں آتا ہے دیکھیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو تو اختیارات بالکل نیوٹرل کر دیے تھے نا وہ انڈیویجول ادارہ ہی الگ کر دیا تھا جن لوگوں نے اس کی سہولتیں نہیں تھی ان کے ڈسٹرکٹوں کے اندر ایشوز بھی نہیں ہوئے کیا کراچی میں کیا سندھ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈومین میں آتا ہے الحمدللہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بس مجھے اتنا جواب دے آتا ہے پاکستان ایک بات کا مجھے ایک بات کا جواب سن لے میں ساتھ میں بات پوری کر دیتا ہوں میں سوال کا جواب پورا کرتا ہوں یہ مجھے اتنا پیپلز پارٹی کیا صرف دو ڈسٹرکٹوں کے اندر ان کی جو ہے وہ اقلیت ہے ہمارے پاس پرائز کنٹرول اتھارٹی پرائز کنٹرول اتھارٹی 30 ڈسٹرکٹ ہیں پورے سندھ کے اندر یا یہ صرف 6 پہ رونا گانا کیوں ہوتا ہے پرائز کنٹرول باقی ڈسٹرکٹوں میں پرابلم آپ کے انڈر میں ہاں جی بالکل ہمارے اوور آل آپ کے انڈر میں بالکل اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں اس کو بالکل جو ہے وہ نا کنٹرول دیکھیں آپ اگر الزام لگا لیں تو ثابت بھی کر دیں نا الزام تو مان لینا ثابت بھی آپ کر دیجیے نہیں کچھ تو مان لینا نہیں اس طرح پورے ملک کے اندر اگر ٹماٹر 300 روپے کے چل رہے ہیں آپ بولیں جی کراچی میں کیوں چل رہے ہیں تو پنجاب میں 300 روپے کے میں کراچی کی بات کے پی کے میں بھی 300 روپے کے کسی اور صوبے کی بات نہیں میں تو میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا یعنی سب فیلڈ ہیں کسی کی پرائز کنٹرول حکومت کی ریٹ نہ ہو نا حکومت وفد کی ریٹ نہ ہو جب 8 روپے کا یونٹ 18 روپے کر دیں 116 کا جو ہے وہ ڈالر 160 کا کر دیں تو پھر ریٹ تو حکومت کی سچویشن پہ کراچی کی سچویشن کے اوپر بات کر رہی ہوں کیونکہ جو سیناریو ہے یہ نیوز پر بھی آپ نے دیکھا ہے اور یہ آپ ایون انڈیویجولی خود اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں وزٹ کریں آپ کو تمام تر سیناریو کلیئر ہو جائے گا اور پرائز کنٹرول اتھارٹی جو ایک غیر فعال ادارہ ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے آپ کو دکھے گا بجٹ ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے پورا ان کو ایگزیکیوشن اس کی کرنی ہوتی ہے کچھ نہیں ہو رہا دیکھیے بات یہ ہے کہ ذمہ داری کوئی نہیں لیتا اصل مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے جتنا بڑا یہ شہر ہے یہ صوبے کے اندر بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جتنے اس میں ادارے کام کرتے ہیں جتنے بھی ان کے ڈومینس ہیں کوئی پوری ذمہ داری اپنی لیتا نہیں ہے مادر پدر سب آزاد ہیں عوام کا بھی یہی حال ہے ٹھیک ہے اگر ٹماٹر مہنگا ہو گیا نہ کھاؤ ٹماٹر
टमाटर वैसे क्यों महंगा हुआ है, कंडीशन बता दे, नहीं मुझे सिर्फ रीजन बता दे टमाटर। देखिए वही आपने बात बहुत कर ली इस पे और पहले भी प्रोग्राम में, वैसे टमाटर के रीजन के ऊपर मैंने ना पिछले हफ्ते में बात की, वैसे मैं आपसे जानना चाह रही टमाटर आखिर क्यों ये इतना बहरान हो गया। देखिए ये अपने सप्लाई एंड उसका डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, लेकिन वैसे क्या इसका मसला है डिमांड? देखिए इसके बगैर क्या ये आटा है रोटी है, गंदम है कि गंदम के बगैर काम नहीं होगा? नहीं इसका भी जवाब मैं आपको अगर बता दूं इसका दुरुस्त जवाब, तो जैसे कि आप जानते हैं अख्तर साहब कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया की एक टेंशन क्रिएट हुई इसके बाद जब टमाटरों का सिलसिला भी रोका गया तो एक बहुत हाइक पे चली गई इनकी प्राइसेस। लेकिन इसके पीछे अगर मैं आपको हिस्ट्री पे लेके जाऊं, जो मैं आपसे सुनना चाह रही थी उसकी हिस्ट्री बेसिकली ये है कि जब नॉर्थ में पाकिस्तान में इसकी टमाटोज कल्टीवेशन हुआ करती थी तो कुछ मफाद परस्त लोगों ने उनसे डील करना दुरुस्त नहीं समझा, अपने ही मुल्क के अंदर जो कि पेरिशेबल आइटम्स बेहतर होते हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करें, उसको काटा गया और इंडिया के साथ ट्रेड किया गया। अख्तर साहब इंडिया के साथ ट्रेड किया गया इस मामले में और अपने मुल्क की जो चीज थी उसको रिजेक्ट किया गया, क्या हुआ इवेंचुअली रिजल्ट, उन्होंने काश्तकारी बंद कर दी टमाटर की और आज हम रो रहे हैं टमाटर 300-400 रुपए। कोई प्रॉब्लम नहीं है टमाटर के बगैर जिंदा रह लेंगे, असल में इनके ऊपर टमाटर के बगैर हम जिंदा रह लेंगे, खत्म किए ना उसी का इफेक्ट है। नहीं नहीं गलत है ये इसका इफेक्ट नहीं है, ये जो पहले करप्शन हुई है ना जो नॉर्थ के जोन के अंदर कल्टीवेशन रुकवाई गई है इस तरह उनको ब्लैकमेल करके उनकी पूरी फसलें तबाह हुई है, ये वो रीजन है नहीं है। इसलिए भारत के साथ आप लोगों ने टमाटर बात ना छोड़े ना, दो अलग अलग क्या मतलब जो आवाम पे लगने चाहिए था इन्होंने तो वो बना दिया, सिखों में लगा दिया। आपके जिस दिन आपने उसका इफ्तिताह किया वहाँ पे इंडिया में क्या उसका रिपरकशन आया? हाँ लेकिन लेकिन मैं इस वक्त क्या ऐसा आपका मवाद है मफाद है आपके नवाज शरीफ को? आप ये बात भी करें ना फिर कि करतारपुर के हवाले से जो हम एक स्ट्रेंथ अपनी उठा रहे हैं जो सिख कम्युनिटी की, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी खालिस्तान की एक मूवमेंट है, वो हम भी तो स्ट्रेंथ बना रहे हैं ना, वो भी तो बीएलए और पीटीएम बना के तो उन्होंने क्या उनके कोर्ट ने क्या अपने मस्जिद बाबरी मस्जिद पे बयान लेकिन दिया? उस हवाले से हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? ये प्रेशर नहीं दे सकते वहाँ पे उनका, उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया इस पे, हम क्या जजमेंट नहीं। अब आप तो पहले बोलते थे अगर नवाज शरीफ के मोदी से हाथ मिला ले तो बोलते थे ये बिजनेस पार्टनर है आपस में, अब क्यों ये बातें नहीं होती? बहुत बहुत शुक्रिया फहद आप प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, नई मेहमान साहब आपका और अख्तर साहब आपको भी प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीजें कंक्लूड करते चले तो उसमें यह है कि टमाटरों के ऊपर हर जगह बहस चल रही है लेकिन ये बात नहीं हो रही कि इसके रीजंस क्या हैं, आखिर क्यों कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने को मिल रहे हैं। अगर पेरिशेबल आइटम्स की बात करें तो अपने मुल्क में ही बेहतर होता है, बेहतर ये होता है कि हम उसको इम्पोर्ट ना करें और एक्सपोर्ट से भी बेहतर होता है कि अपने मुल्क की कल्टिवेशन को हम प्रमोट करें, लेकिन अपने ही मुल्क में जब उनको वाकई जितने रेट्स की उनकी पूरी कॉस्ट है वो नहीं उनको मिल रही तो आखिर और आप इंडिया के साथ ट्रेड इसलिए करें क्योंकि आपके मफादात हैं भारत के साथ, तो फिर इन दी एंड तो यही होगा आपकी कल्टीवेशन जो है तमाम तर फसलें वो भी खत्म होंगी बर्बाद होंगी और फिर जो बाद में कुछ अरसे में जो साइड इफेक्ट्स हम आज फेस करें वो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।